Right. चलिए शुरू करेंगे क्लास को मेरा नाम दिव्य है है बाकी सारी चीजें आप जानते हो हो तो सबसे पहले congratulations to all the hope अगले साल आपका फोटो यहां पर हो. इसके अलावा आपके पास आज आखरी अवेल करने का 20% सब्सक्रिप्शन आप दिव्य कुमार गर कोड यूज कर सकते हो जिससे आपको मिलेगा 20% परसेंट डिस्काउंट ऑन योर में

ओके आर यू गाइस रेडी फॉर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रेडी हो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए नहीं अनुभव अभी ग्रीन स्क्रीन सही हो गई है आप देखो एक बार क्या मेरी ग्रीन स्क्रीन प्रॉपर है गाइस किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ग्रीन स्क्रीन से है ना

Here we go. Here is the first passage. बाकी लोगों को नहीं आ रही है तो यारॉग आउट करके लॉग इन कर लो एक बार या तो All right, I'm waiting for everyone to read it. Hi, Hindu. Take a minute more, properly read it, and then let me know if you have been able to understand the passage. और राइट आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू रीड इट फटाफट से पढ़ लूँ और बता दो मुझे ऑल राइट चलिए अब आप लोग शब्द अपने पूछने लग गए हो जिस जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है एश्यूड एश्यूड का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग जब भी आप किसी चीज को अवॉइड करते हो तो उसका मतलब होता है एश्यू करना ओके okay? हाय सुमित यहाँ पर हमें बात कर रहे हैं हम ट्रेवल इंडस्ट्री की और ये बात हो रही है कि ट्रेवल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्रेशर ढेलना पड़ता है लो, वहां पे लो, वहां पे और इंटरनल ग्रोथ ऑथर के हिसाब से स्लो होगी क्योंकि आप अभी इंडिया ऑफिस बनाओगे तो आपको 10 साल का समय लग जाएगा फिर आप चाइना में दूसरा ऑफिस खोलोगे तो आपको 10 साल और लग जाएंगे तो बड़ा स्लो होता है दूसरा रास्ता होता है कि आप फॉरेन में जो भी कंपनी है उसको अक्वायर कर लो एक्विजिशन का मतलब होता है उसको खरीद लो तो इंडिया की, क्या की? के किसी बड़ी ट्रेवल कंपनी को खरीद लेगी, तो लेगी. ठीक है तो ये दूसरा रूट हो गया फिर आता है यहाँ पर एक कंपनी का एग्जाम्पल जिसने तीसरा काम करा ठीक है क्या करा उसने उसने ना तो इंटरनल ग्रोथ रूट वॉट डिड इट डू इट वेंट अबाउट फोर्जिंग अलायसेज विद अदर ट्रैवल पार्टनर सो वहां पे लोकल कंडीशन में कोई ना कोई पार्टनर तो काम कर रहा होगा लोकल पार्टनर के पास गए और उनको बोला कि आपकी कंपनी हम नहीं खरीदेंगे बट आपका और हमारा एक अलायंस कर लो शादी कर लो हमारी ताकि हमारे कस्टमर जब भी आपकी कंट्री में आएंगे तो उनको आप सर्व करोगे तो आप सोचो ना कि इंडिया की कंपनी कितना अच्छा हो गया इंडिया की कंपनी थी जिसके बहुत सारे लोग थाईलैंड ट्रेवल करने जाते थे अब उसके पास दो ऑप्शन थे या तो अपना थाईलैंड में ऑफिस खोल ले उसके लिए पैसा बहुत चाहिए होता है उसके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन था कि वो में जिसका उसको खरीद ले। उसके लिए हमारे जब भी कस्टमर आएंगे तो उनको आप अपना कस्टमर समझ के ट्रीट करना और जब आपके इंडिया में कस्टमर आएंगे तो हम उस तरह से हम ट्रीट करेंगे तो इससे हमको क्या समझ में आया कि उसने तीसरा रूट चुना था ऑलराइट यस ऑर्थर के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है वे मुझे क्या पता यार रिया ये तो आपको पता होना चाहिए ना ओके okay. फोर्ज का मतलब क्या होता है टू uh, जैसे देखो कि नहीं दो चीजों को जोड़ने को हम बोलते हैं फोर्ज करना डिलेमा का मतलब होता है विरोधाभास जब हम दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं right? आगे क्वेश्चंस करें क्या ये पैसे समझ में आ गया है आप लोगों को इज दिस यू ओके okay. ठीक mm -hmm. है अच्छा जब आपने शुरुआत में इस पैसेज को समझा था क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी सेम थी या अलग थी इससे सेवेंटी परसेंट थी थोड़ा थोड़ा सेम थी सम सेवेंटी एटी परसेंट सम वोट सेम वेव एटी Bit, 60 per, 60%, 80, 80. All right. the that one of वन ऑफ द the deregulation ऑफ द एयरलाइन was चलो डी के बारे में क्या बात कर रहे हैं यहां पर आपका आंसर है और राइट आई होप आपने पढ़ लिया हो और आपको, आपको आंसर देना है All right, बस तीन लोगों ने ने सही आंसर दिया था। काफी है। भैया जो ने की थी में। में अरे यार ये कैसे हो रही आज आज चलो कल से हम वो ग्रीन, वो पुराना सर्कल वाला तरीका ही ले आएंगे। आज अब इस क्लास के बीच चेंज नहीं हो पाएगा लेकिन एक बार रीलोड कर लो। द पैसेज सजेस्ट सम ऑफ दाइन देखते यहाँ द स्वेपेल इंडस्ट्री

कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है ये सवाल किसी ने नहीं पूछा था मैं देख रहा था कि अगर आप में से कोई सवाल पूछेगा तो मैं आंसर नहीं करूंगा क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आने वाला है देखो री स्ट्रक्चर करने का मतलब होता है किसी चीज के स्ट्रक्चर को बदल देना है ना और कॉन्सोलिडेट करने का मतलब होता है इकट्ठा कर देना तो जब दो कंपनी आपस में कॉन्सोलिडेट होती है इसका मतलब वो क्या हो गई है मर्ज हो गई है जैसे आप लोगों को पता होगा कि पहले एक वोडाफोन करके अलग कंपनी हुआ करती थी और आइडिया करके एक अलग कंपनी हुआ करती थी अब वो दोनों क्या है वीआई हो गया एक हो गई है है ना वी हो गया है ना, हुआ है ना इसी तरह से इसको हम क्या बोलते हैं हो गया है। सीधा निकल कर क्या कि कि में जो कई सारी कंपनीज थी वापस में मर्ज हो गई ए बी सी अ डिक्लाइन इन दर्विज अवेलेबल टू नॉन कमर्शियल ट्रेवलर हमको ये पता था कि डिमांड बढ़ गई है सप्लाई कम हो गई है ये नहीं बताया था बी अ डिक्रीज इन द साइज ऑफ द कॉर्पोरेट ट्रेवल मार्केट देखो स्नेहा बी तो बिल्कुल उलट है ना हम बोल रहे हैं कि ट्रेवल सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है तो मार्केट साइज तो इंक्रीज होगा ना मार्केट साइज इंक्रीज होगा तो इट वॉज ऑपोजिट स्नेहा समझ में आया यस सी अ शार्प इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कोऑपरेटिव अलाइंसेस अमंग ट्रेवल एजेंसीज़। अब देखो यार यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑपरेटिव अलायसेस क्या होते हैं ठीक है कोऑपरेटिव अलायसेस इंडस्ट्री ये तो ये हुआ था ना जिसने ये करा था तो दिस एजेंसी स्ट्रक्चर फॉर ग्लोबलाइजेशन तो इसको तो वो यूनिक स्ट्रक्चर बता रहे कोऑपरेटिव अलायंसेस है ना उन्होंने क्या बोला था कि कंसोलिडेशन हुआ है जनरली कोऑपरेटिव अलायंस तो ये यूनिक था ये तो एक्सेप्शन थी आया समझ में That this was an exception. Anupriya Sharma. राइट right, आगे बढ़ेंगे द ऑथर डिस्कर्टिकुलर ट्रेवल एजेंसी इन द पैसे टू नहीं सुमित लेकिन वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं था ग्लोबलाइज डीरेग्यूलेशन का डायरेक्ट इफेक्ट कॉन्सोलिटेशन था रेली सॉरी रॉन्ग कोल जिसका भी सही हुआ है प्लीज उसको अगले क्वेश्चन को गलत कर देना टू मेंटेन फेयरनेस ऑल राइट श्वेता ध्रुवेश रश्मि सुमित इंदु रिया हिमांश श्रिया मनस्वी एंड नम्रताज वेरी नाइस है ना द ऑथर डिस्कसेस अ पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंसी इन द पैसेज मोस्ट लाइकली इन ऑर्डर टू क्यों डिस्कस करता है वो प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द प्रेशर ऑन द ट्रैवल इंडस्ट्री टू ग्लोबलाइज प्रेशर का एविडेंस तो नहीं डेमोन्स्ट्रेट द लिमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रूट तो लिमिटेशन अगर मुझे बताना है तो फेलियर का एग्जांपल दूंगा सक्सेस का एग्जांपल नहीं दूंगा है ना ऑल राइट

ये उसका पर्पज नहीं था कि उसको किसी भी तरह की डिफिकल्टीज को जो ट्रेवल okay. कि ने ना तो किसी नई कंपनी को अक्वायर करा ना खुद के ऑफिस बनाए बल्कि अलग अलग कंपनीज के पास गई और बोला कि हमारे कस्टमर आपके आएंगे तो आप उनको अपने कस्टमर समझ करके सर्व करना और सेम हम आपके साथ करेंगे एक नया तरीका था उनका इट इज एन अनयूजल अप्रोच एक नया तरीका है ना यस ओके वैष्णव समझ में आया और right. आगे बढ़ेंगे अन यूजअल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट यूजल नया नहीं हो लेकिन जो ऑर्डनरी नहीं है श्वेता हिमांश श्रिया धुर्विश प्रीतम श्रेया सुमित रश्मि वैष्णवी एंड शर्मा वेरी वेल डन अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ ऑफ़ द ट्रेडिशनल रूट टू ग्लोबल एक्सपानशन तो ट्रेडिशनल रूट क्या थे ग्लोबल एक्सपानशन के एक बता दो यार दो रूट कौन कौन से थे जल्दी से बता दो कि समझ में आया कि नहीं एंड uh, खुद का सेटअप करना ऑफिस तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी है ना दे हैव बीन इन मोस्ट सर्विस इंडस्ट्री बाय अल्टरनेटिव रूट्स कि हर इंडस्ट्री में जाकर उनका एक अल्टरनेटिव रूट आ गया ऐसा तो नहीं था कि हर इंडस्ट्री में उनका एक अल्टरनेटिव रूट आ गया क्योंकि अगर उनका अल्टरनेटिव रूट आ जाता हर इंडस्ट्री में तो ये जो किसी इंसान ने करा है वो यूनिक नहीं होता है ना दैट वुड नॉट हैव बीन यूनिक है B, they are less attractive to travel agencies since deregulation of the airlines. कि वो less attractive हो गए? बिल्कुल भी नहीं कि deregulation के बाद less attractive हुए ये नहीं पता. वो तो तो शुरुआत से uh, unattractive रहे हों. They may represent the most cost-effective means for a travel agency to globalize. सबसे cost-effective है क्या वो? नहीं. उनकी problem ही है कि वो बहुत ज़्यादा costly decisions होंगे. So they may be unsuitable for service industries that are attempting to globalize. कि कई सारी इंडस्ट्री जो ग्लोबलाइजेशन की चाह रखती है अपने मन में उनके लिए क्या होंगे ये अनसूटेबल होंगे है ना कि ये पॉसिबली प्रॉपर रूट नहीं है ये बोला जा रहा है और राइट ठीक है आगे बढ़े अगला करें आर यू गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन यस ओके मूविंग ऑन द ऑथर वुड एग्री फॉलोइंग स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट से ऑथर एग्री करेगा अरे ये तो ये तो ऑयल वाला क्वेश्चन आ गया ना ये तो कल वाला क्वेश्चन नहीं 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 तो कल वाले क्वेश्चन है चलिए तो हम अगले पैसेज पे चलते हैं दोस्तों अब हम थोड़ा सा साइकोलॉजी का करेंगे वी विल टॉक अबाउट लैंग्वेज है कि लैंग्वेज के बारे में क्या बात हो सकती है देखते हैं ओके okay. Alright, uh, Kumkum, I'll reply to you. Ek ek karke, just take another minute to read this passage properly and then put up all the words that you do not know the meaning of. I'll tell you the meaning of all the words.

है ना जो शहद कलेक्ट करने की प्रोसेस होती है उसमें जो शहद को कलेक्ट किया जाता है उसको नेक्टर बोलते हैं मतलब है इनग्रेन का मतलब वही होता है जो आ, होता है का मतलब अंदर से गट फीलिंग के आधार पे किसी काम को करना ऑथर का इस पूरे पैसेज में एक सिंगुलर आर्ग्यूमेंट है कि लैंग्वेज को सीखा नहीं जा सकता लैंग्वेज लोगों के मन में पहले से होती है हमारे यहाँ लैंग्वेज एक मेंटल ऑर्गेन की तरह है इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज को इंक्लूड कर लेना अपने अंदर परसीव करने का मतलब किसी चीज को रिसीव uh, करना रिसेप्ट करना है ना हमको उसको महसूस करना को परसीव करता है ठीक है मॉड्यूलेशन का मतलब होता है किसी चीज को ऊपर नीचे करना तो वॉइस मॉड्यूलेशन हाँ हाँ इसी तरह से हम बात कर सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि हम इस तरह से बात नहीं कर सकते हम इस तरह भी बात करना आती है इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना ठीक है चलिए तो पूरे पैसेज में सिर्फ़ एक दी गई है आप लोगों को और कुछ आर्गुमेंट ही नहीं दी गई है, ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग Okay, very easy guys. राइट right. सब लोग आंसर करो इसका कई सारे लोगों ने सही आंसर करा है क्लैट लेवल right. है क्लैट से थोड़ा सा टफ ही बोलूंगा मैं मैं कॉपी पे डाउट्स लिख बिकॉज काफ़ी छोटे डाउट्स हैं बट चार पांच है हाँ ये अब आज साढ़े छ बजे यूट्यूब सेशन है रिया उसमें हम देखेंगे ठीक है श्वेता हिमांश रिया दुर्विश प्रीतम श्रेया सुमित रश्मि शर्मा एंड मनाश्वी वेरी वेल डन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द पैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज एक कल्चरल इन्वेंशन है जो की होमोसेपियंस ने अपने आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बनाया है बिल्कुल भी नहीं है ना एक कल्चरल फिनोमिना नहीं है इट इज समथिंग दैट चिल्ड्रन कैन बी टॉट बाय पेरेंट्स एट होम ऑथर की मेन आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट ही जाती है ना कि इसको सिखाया नहीं जा सकता आप कितनी भी कोशिश कर लोगे लैंग्वेज एक दूसरे से सीख थोड़ी सकते हैं हम लोग दैट इज नॉट पॉसिबल सी इट इज टॉट थ्रू फॉर्मल इंस्ट्रक्शन एट स्कूल कि स्कूल में फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लैंग्वेज uh, सीख सकते हैं ये भी नहीं इट इज अ साइकोलॉजिकल इंस्टिंग दैट वी आर बोर्न विद यही बोला था कि ये एक मेंटल ऑर्गेन है जिसके साथ ह्यूमंस बॉन्ड करते हैं मतलब इसको सिखाया नहीं जाता कई सारे लोग जिनको स्कूल भी नहीं भेजा है उनको भी लैंग्वेज आती है यही आर्ग्यूमेंट थी इसकी मेन पॉइंट ऑफ द पैसेज इज All right. yes, श्वेता से लेकर के अनुप्रिया तक वेरी वेल डन कितने लोग कंफ्यूज हो गए ए और डी में ए और डी में कितने कंफ्यूज हो गए है ना ट्रूली ये एकदम क्लोज थे क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि वाई डिड चूज ए ओवर डी आखिर उन्होंने डी को रूल आउट कैसे करा नहीं यूनिक तो था, है ना? नहीं 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 इसलिए नहीं कि देखो ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि डिवोर्स करेक्ट इन द सेंस दैट इट इज यूनिक इन ह्यूमन बट दैट इज नॉट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज है ना पैसेज इस बारे में पूरा बता रहा था कि किस तरह से लैंग्वेज को सीखा नहीं जा सकता लैंग्वेज पहले से मौजूद है है ना और उसका पूरा ये आइडिया नहीं था कि यार लैंग्वेज यूनिक है हमें वो पूरे पैसेज में यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि लैंग्वेज को सीखना नहीं पड़ता है लैंग्वेज पहले से आती है इसलिए ए इज द मेन पॉइंट डी जो है ना डी एक पॉइंट है डी एक इन्फ्लुएंस है लेकिन डी मेन इन्फ्लुएंस नहीं है आया समझ में हैव यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट गाइस यस ऑल वेरी नाइस चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल टू डिस्क्राइब लैंग्वेज एज अंडरस्टूड बाय द ऑथर इनमें से क्या एक एग्जाम्पल हो सकता है लैंग्वेज का जिस तरह से ऑथर ने लैंग्वेज को समझा है चलो दिस इज इंटरेस्टिंग ओके श्वेता से लेकर के आदिशक्ति तक वैसे ही नहीं वेरी गुड गाइस क्या क्या स्कोर रहा है आप लोगों का श्वेता हिमांश दुर्वी श्रिया प्रीतम श्रेया, अभय मनस्वी अनुप्रिया एंड आदिशक्ति जो द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एग्जांपल टू डिस्क्राइब लैंग्वेज एज अंडरस्टूड बाय द ऑथर ऑथर ने किस तरह से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करा है उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है

All right guys. श्वेता हिमांश श्रेया प्रीतम अभय अनुप्रिया दुर्विश रिया मनस्वी एंड well guys वेरी वेल डन वेरी गुड गाइज यस फिश खानी पड़ती है सर्वाइव करने के लिए इसलिए अकॉर्डिंग टू naturalist बहुत सारे हीरोन उस जगह रहते हैं जहाँ पर फिश होती है लेकिन यार यहाँ पर एक हीरोन का एग्जाम्पल दिया जो कि पहाड़ गांव मार्श में रहता है और पहाड़ गांव मार्श में तो बहुत लंबे समय तक फिश ही नहीं है तो ये कैसे काम हो सकता है यार कि जब उनको फिश चाहिए जीवित रहने के लिए और यहाँ पे फिश ही नहीं है तो फिर काम कैसे चल रहा होगा उनका ये समझना पड़ेगा ना कि हाउ इज वर्किंग किस तरह से उनका काम चल रहा है तो ये कैसे रिकनसाइल कर सकते हैं इस अपेरेंट डिस्क्रिपेंसी को हम अगर हम ये बोल दे पेस्टिड ऑन नियर द ऑफ मार्श एंड किल्ड मोस्ट ऑफ द फिश तो ये तो यही बता रहे हैं हमको फिश कैसे मरी हमको तो ये पता करना है ना कि यार काम कैसे चल रहा है तो दिस इज नॉट ट्रू

अगर उनकी फैमिली के बारे में बात हो गई पर पास में जो फिश है उनपे जीवित रहते हैं तो अगर पास में पास वाली फिश से जीवित रहते हैं तो फिर बढ़िया है फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे क्लास गाइस तो बहुत बतला हो जाएगा ये करते हैं। श्वेता प्रीतम हिमांश ध्रवेश अभय अनुप्रिया शर्मा रिया एंड सुमित वेरी वेल डन वेरी गुड तो क्या हुआ यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्कूल है में जहां पर जो एनरोलमेंट है वो एक परसेंट बढ़े और टीचर जो है वो तीन परसेंट से बढ़ गए तो बच्चे एक परसेंट से बढ़े और टीचर तीन परसेंट से बढ़े फिर भी वो कह रहे हैं कि यार हमको जो अगले साल है अगले साल, है, अगले साल टीचर की शॉर्टेज होने वाली है अरे तरीके से हो सकता है कि आपके बच्चे तो एक ही परसेंट बढ़े हैं टीचर तीन परसेंट बढ़े हैं तो फिर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि टीचर शॉर्टेज होने वाली है अगर ये बोल दिया जाए कि एक नया लॉ आ गया है जिससे आपको टेन परसेंट ज्यादा टीचर चाहिए तो फिर टीचर शॉर्टेज हो जाएगी ना पहले आपको कितने टीचर चाहिए थे हंड्रेड बच्चों पे दस टीचर चाहिए थे अब आपको कितने चाहिए अब हंड्रेड पे ग्यारह चाहिए तो उतनी इंक्रीज नहीं हुई है दिस इज द प्रॉब्लम है ना बाकी ए बी डी ए फंडिंग से कोई लेना देना नहीं है एवरेज सैलरी से कोई लेना देना नहीं है है ना और पास्ट के डेटा से भी हमको कोई लेना देना नहीं है तो ए बी और डी तीनों इस बार इलेवेंट ऑप्शन आए थे दोस्तों वेलकम द क्लास लेट्स अभी देखो आज साढ़े छह बजे एक छोटा सा सेशन लूंगा मैं YouTube पर जहां पे आप लोग आ सकते हो एंड यू कैन लेट मी नो एनी क्वेश्चन हैव है ना आपके पास जो भी क्वेश्चन हो जिस भी तरह के क्वेश्चन हो वो आप लेकर के आ सकते हो कि यार ये ये क्वेश्चन है फ़रवरी में क्या करना है इस तरह की अगर आपको बातें करनी है तो यू कैन कम एंड स्पीक टू मी ऑन द यूट्यूब क्लास टूमोरो क्लास में कल लेने वाला हूँ राइट All right, guys. आज आज साढ़े बजे साढ़े छ बजे लूंगा Okay, okay. I'm really sorry, Anupriya. Really sorry about it. गए तो फिर मिलेंगे हम है ना फिर मिलेंगे साथ पढ़ेंगे एट सिक्स थर्टी